नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, पिछले दिनों 19 नवंबर को पाकिस्तान स्थित सिंध प्रोविंस में 8 साल का बच्चा पहले तो लापता होता है और अगले ही दिन उसकी लाश एक वीरान पड़े घर से मिलता है और बाद में पता चलता है उस बच्चे के साथ गैंग रेप किया गया था। ये बच्चा एक हिंदू परिवार से था और ये वहशी हरकत करने वालों का नाम है मोहम्मद अनम और मदसर। ये पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट या अन्य माइनॉरिटीज के साथ ऐसी हैवानियत भरी हरकत किया गया हो। मैंने ये देखा है कि जब भी हिंदुस्तान में मामूली या गैर मामूली हरकत होती है तो पाकिस्तान की चीखें निकल आती हैं। मगर पाकिस्तान में रहने वाले माइनॉरिटीज की बात आती है तो पाकिस्तानी गूंगे, बहरे और अंधे हो जाते हैं, अब्बा डब्बा जब्बा करने लगते हैं। या वो पाकिस्तानी जुडिशरी हो या सिविल सोसाइटी वाले या पॉलिटिशियंस या फिर ह्यूमन राइट्स कमीशन वाले, ये भी अब्बा डब्बा जब्बा ही करते हैं। बहुत सारे लोगों का मानना है कि इस बच्चे के साथ वहशीपन और उसका कत्ल उसके मजहब के कारण किया गया था। एक तरफ ये बात बिल्कुल सच लगती है क्योंकि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज बिल्कुल सेफ नहीं है, मगर दूसरी तरफ पाकिस्तान में मुसलमानों के बच्चे भी महफूज नहीं है। ये इनका छोटे बच्चों पर बदनीयती के साथ देखने का ये सदियों पुरानी बीमारी है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ बच्चाबाजी की। पाकिस्तान के केपीके के इलाके में बहुत ही छोटे बच्चों और लड़कों के साथ ऐसी हैवानियत यहाँ पर बहुत आम है। पहले तो इन बेघर बच्चों को चरस और अफीम की आदत डला देते हैं और 50 रुपए से 100 रुपए के एवज में ये घिनौना काम इन बच्चों से जबरदस्ती करवाया जाता है। क्या अमीर क्या गरीब, कोई ट्रक ड्राइवर है तो कोई पढ़ा लिखा बिजनेसमैन है, सब तरीके के लोग इसमें शामिल हैं। ऐसे लोग सिर्फ केपीके तक महदूद नहीं हैं। ऐसे घटिया लोग ऐसी घटिया हरकत करते हुए पाकिस्तानी मदरसों से भी पकड़े गए हैं। ऐसे घटिया गिरे हुए लोग दोहरी जिंदगी जीते हैं। एक तरफ वो शादीशुदा जिंदगी जीते हैं दुनिया को दिखाने के लिए और दूसरी तरफ इनको बच्चाबाजी की आदत लग चुकी होती है। मेरी नजर पुरानी एक डॉक्यूमेंट्री में पड़ी जिसमें पाकिस्तान के आज के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से बच्चाबाजी के बारे में पूछा गया था। I must say, I know it happened. I didn't realize it happened to the extent you're saying. It's one of the most sad and shameful aspects of our society. I have to say, I'm totally embarrassed by this figure. And unfortunately, well, my party has only been in government for the last, 7.5 months, 7 months. And so I've seen the poverty growing in Pakistan, and obviously the children are the weakest members of the society and get hit the most. It's really shameful for us that we have not really been able to protect them. So we will have a task force specifically to get rid of this crime. I'm going to have a meeting in a week's time and I will bring this on. इमरान खान नियाजी पाकिस्तान में बढ़ते हुए महंगाई और इंतहा पसंद तंजीबों को तो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। मेरी पाकिस्तानी सरकार से प्रार्थना है कि कम से कम इन बच्चों को तो बचाएं। मेरा पूरा विश्वास है कि पाकिस्तान की आवाम इन बातों को उतना ही गलत मानता है जितना कि भारतीय या फिर दुनिया के किसी और देश के लोग। फिर भी न जाने क्यों चुप हो जाते हैं जब पाकिस्तान में रहने वाले माइनॉरिटीज के साथ जब गलत होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आम पाकिस्तानी भी वहां के माइनॉरिटीज के लिए आवाज बुलंद करेंगे। जय हिंद।